हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज फूडी सिस्टर एंड ब्रदर में। आज मैं आपके सामने पहली बार आ रही हूँ और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ ऐसा नाश्ता जो कि बिना बेसन के, बिना मैदा के और बिना सूजी के बनेगा, वो भी झटपट तैयार हो जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो आइए चलिए बनाते हैं फिर। तो सबसे पहले जो है हमने एक बाउल लेना है। बाउल में हमने जो है कद्दूकस की हुई गोभी डालनी है। तो सबसे पहले हमने गोभी ले ली है, उसके बाद जो है हमने कटा हुआ हरा प्याज लिया है, फिर हमने लेना है कटी हुई शिमला मिर्च, छोटी छोटी बारीक कटी हुई। कद्दूकस करके हमने गाजर रखी है तो हमने गाजर भी इसमें डाल लेनी है। वेजिटेबल्स जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें लेनी है थोड़ा सा हरी मिर्च, फिर हमने डालना है इसमें खूब अच्छे से हरा धनिया। धनिया से जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद अब हमने इसमें डालना है नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। नमक जो है वो आपने अपने स्वाद के अनुसार डालना है। अब हम डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च। काली मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपको तीखा ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है हमारा इसमें, ये देखिए, अब हम डालेंगे मसालों में ऑर्गेनो। ऑर्गेनो से जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए ऑर्गेनो को हो सके तो मिस मत कीजिएगा, आप इसे डालिएगा ज़रूर। अब हम इसमें डालेंगे कर्ड। कर्ड जो है आपने डालनी है इसमें एक कटोरी, ये देखिए। अब हम इसको जो है अच्छे से सारे मिक्सचर को मिला लेंगे। अब हमने जो है मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो है मिक्स करेंगे राइस फ्लावर। राइस फ्लावर जो है मैंने एक कटोरी लिया है, ये देखिए। अब इसमें हमने राइस फ्लावर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने कर्ड डाली है उसी से ही जो है ये हमारा मिक्सर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छा सा एक डो बना लेना है। अब ये देखिए, अब ये डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपने इसी तरीके रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, ये देखिए इस तरीके से। अब हम जो है इसके गोल गोल अपना वो बना लेंगे, टिक्की सी बना लेंगे। आपने जो शेप देनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। मैं इसको जो है थोड़ा सा चपटा बनाऊंगी, जैसे हम टिक्की बनाते हैं इस तरीके से, ये देखिए। अब हमने जो है इसकी इस तरीके से टिक्की बना ली है। अब उसके बाद जो है हमने इस टिक्की को जो है ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अब जो है कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। तेल जो है आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है, हाई नहीं रखनी है, एकदम लो फ्लेम पे ही आपने इसको डीप फ्राई करना है। तो अब ये देखिए, अब हम इसको जो है तलने के लिए रख दिया है। इसी तरीके से हमने अपने बाकी भी बना के रेडी कर लिए हैं, ये देखिए। अब ये देखिए, अब ये हमारी जो टिक्की हैं वो देखिए कितने अच्छे तरीके से जो हैं फ्राई हो रही हैं। आपको बस इनको गोल्डन ब्राउन करना, ये देखिए अब आपने इनको जो है गोल्डन ब्राउन करना है। और आपने ये फ्लेम जो है लो ही रखनी है और बाद में जो है आपने थोड़ी देर के बाद इस फ्लेम को तेज कर लेना है। अब ये देखिए हमारे जो टिक्की हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। तो ये देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम एक इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तेल जो है आपने थोड़ा सा साइड में लगा के हल्का सा तेल निकाल लेना है पूरा अच्छे से टिक्की का, ये देखिए। और ये जो नाश्ता बनाया है ना मैंने, ये खाने में बहुत ही यमी लगता है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो हर संडे यही बनाएंगे। अब ये देखिए बाकी भी जो हमने टिक्की बनाई थी वो रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए उनका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये खाने में बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सारे वेजिटेबल्स हैं, कोई मैदा नहीं है कुछ। अब ये देखिए हमारी प्लेटिंग हो चुकी है और देखिए ये देखने में कितने यमी से दिख रहे हैं। और ये देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। और अंदर से जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ये देखिए। और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।